इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर बात से घबरा जाते हैं, हर छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इनके सामने चाहे कितनी भी परेशानी कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, सीना ताने मुकाबले को तैयार रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हारा वही जो लड़ा नहीं और जीता वही जो डरा नहीं। कहते हैं कुछ ही भाग्यशाली लोग होते हैं जो संसार में चांदी के चम्मच के साथ पैदा होते हैं। ज्यादातर लोगों का जीवन संघर्ष से ही बड़ा होता है। संघर्ष आदमी को फौलाद बनाती है, जीवन पथ पर चलना सिखाती है, दुखों से लड़ना सिखाती है और मंजिल के करीब पहुंचाती है। मत डर मत घबरा, चलने से अपने जीवन पथ पर होगा वही जो होना है, मिलेगा वही जो तेरे किस्मत में लिखा है, फिर क्यों न चलो तुम धुन में अपने मगन होकर। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आप उनकी सोच पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं वो आपके नियंत्रण में है। दुनिया में कुछ लोग यह सोच कर चलना छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पैरों में जूते नहीं हैं, परंतु उन्हें यह नहीं पता होता है कि बहुतों के पैर ही नहीं होते। जो मिला तुझे जो है तेरे पास उससे खुश रहा कर, मत डूब गमों के समंदर में, उड़ जा जोश से भर कर, क्योंकि तुम्हारा जीवन तुझे ही जीना है, कोई नहीं साथ देगा तुझे तेरे पथ पर। कौन खुश है अपनी खुशियों से इस दुनिया में, जिसे जो भी मिला उसे कम ही लगा उसके चाहत के ऊपर। कहते हैं ना, जिसे खड़े होने की जगह मिली वह बैठना चाहता है और जिसे बैठने की जगह मिली वह सोना चाहता है, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं अनंत और अपार है। कुछ भी नहीं है इस दुनिया में अजर अमर, समय के साथ सब बदलता रहता है, घड़ी के टिक टिक पर। आज तुझे दुख है तो कल सुख भी आएगा, क्योंकि सबको पता ही है कि रात के बाद सवेरा आएगा ही आएगा। मत निराश हो तेरे मौजूदा हालात पर, क्योंकि कभी गाड़ी पर नाव तो कभी गाड़ी होता है नाव के ऊपर। एक कहानी आपकी जीने की सोच को बदल कर रख देगी। एक दिन एक किसान का बैल कुएं में गिर गया। वह बैल घंटों जोर जोर से डकारता रहा, रोता रहा और किसान सुनता रहा और विचार करता रहा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अंततः उसने निर्णय लिया कि चूंकि बैल काफी बूढ़ा हो चुका था, अतः उसे बचाने से कोई लाभ होने वाला नहीं था और इसलिए उसे कुएं में दफना देना चाहिए। किसान ने अपने सभी पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। सभी ने एक एक फावड़ा पकड़ा और कुएं में मिट्टी डालने शुरू कर दी। जैसे ही बैल कि समझ में आया कि यह क्या हो रहा है, वह और जोर जोर से चीख कर डगारने लगा और फिर अचानक वह आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गया। सब लोग चुपचाप कुएं में मिट्टी डालते रहे। तभी किसान ने कुएं में झांका तो आश्चर्य से सन्न रह गया। अपनी पीठ पर पड़ने वाले हर फावड़े की मिट्टी के साथ वह बैल एक आश्चर्यजनक हरकत कर रहा था। वह हिल हिल कर उस मिट्टी को नीचे गिरा देता और फिर एक कदम बढ़ाकर उस पर चढ़ जाता। जैसे जैसे किसान तथा उसके पड़ोसी उस पर फावड़ों से मिट्टी गिराते, वैसे वैसे वह हिल हिल कर उस मिट्टी को गिरा देता और एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाता। जल्द ही सबको आश्चर्यचकित करते हुए बैल कुएं के किनारे पर पहुंच गया और फिर कूदकर बाहर भाग गया। ध्यान रहे, आपके जीवन में भी बहुत तरह से मिट्टी फेंकी जाएगी, बहुत तरह की गंदगी आप पर गिरेगी, जैसे कि आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोई बेकार भी आपकी आलोचना करेगा, कोई आपकी सफलता से ईर्ष्या के कारण आपको बेकार में ही भला बुरा कहेगा, कोई आपसे आगे निकलने के लिए ऐसे रास्ते अपनाता हुआ दिखेगा जो आपके आदर्शों के विरुद्ध होंगे। ऐसे में आपको हतोत्साहित होकर कुएं में ही नहीं पड़े रहना है, बल्कि साहस के साथ हर तरह की गंदगी को गिरा देना है और उससे सीख लेकर उसे सीढ़ी बनाकर बिना अपने आदर्शों का त्याग किए अपने कदमों को आगे बढ़ाते जाना है। सकारात्मक रहें, सकारात्मक जिए। इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति है बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार है धैर्य, सबसे बड़ी सुरक्षा है विश्वास और सबसे बढ़िया दवा है हंसी। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। एक कहानी आपके जीने की सोच को बदल देगी।